अतीतरु वर्तमान राजतंत्र ठारु गणतंत्र शासन पर्यंत आम प्राचीन कीर्तिराजी आमको सर्वदा कल्याणकर पथर पथचाली कराई पुरातन ऐतिह्य परंपरा कीर्ति आमको समग्र विश्व एक स्वतंत्र स्थान प्रदान करे। जदियो विश्वर सप्ताश्चर्य पी आम प्राचीन ऐतिहासिक पूर्ण स्थान मान विषय प्रति समस्त व्यक्ति ज्ञात न था तथापि तेले मध्य दुख नक परवर्त काल में पुरातन महान कीर्तिराजर गाथापी प्रमाण स्वरूप दंभरे दंडायमान आज विश्व को दर्शन दिंती। प्राचीन ऐतिह्य कला कारीगरी धर्म संस्कृति ए सबुर गंताघर आम बुगुड़ा। जय जगन्नाथ। मुँ आकांक्षा पट्टनायक। समग्र उत्कल तथा वर्तमान ओडिशार प्राचीन ऐतिह्य कला साहित्य पर्यटन समग्र विश्व एक उल्लेखनीय गाथा प्रकाश करे। ए मध्यरु आम बुगुड़ार संस्कृति पर्यटन ऐतिह्य महान सारस्वत व्यक्तित्व समग्र जगतर एक नैसर्गिक परिवेश सृष्टि करती। प्रकृतिर पर्वत अरण्य प्राचीन कीर्तिराजी ऐतिह्य सौंदर्य और जलाशय पूर्ण आम अंचल स्वभावय इतिहास प्रमाण दिए आम बुगुड़ा। प्राचीन काल आम अंचल घुमुसर अंतर्भुक्त थी 832 ख्रीष्टाब्द तथा प्रथम शताब्दी अष्टादश शताब्दी पर्यंत भंज सामंतवासी मान शासन अधीन आम बुगुड़ा। किंतु केतक ऐतिहासिकों मतरे प्रथमे शैलभव वंशी पर भौमकर वंशी एवं तापर भंजवंशी शासन घुमुसर ठार होता तासह बौद्ध धर्मर प्रचार और प्रसार अंचल प्राचीन कालर आज पर्यंत चली भंज सामंतवंशी शासक मान बुगुड़ा अंचल घुमुसर मुख्य स्थान भाव में प्रतिष्ठित हो आसुला एवं केतकों मतरे यह हूँ प्राचीन त्रिकलिंग राज्यर मध्यकलिंग अंचल। ऐतिहासिक दृष्टिकोण अनुध्यान कले जना जाए नवम शताब्दी बेलू आम ही अंचल आदिवासी बहुत अंचल रूपे ख्यातिलाभ करवर्ती काल में सोमवंशी केशरी राजा मान घुमुसर भंजवंशी राजा मैंने आक्रमण कर युद्ध परास्त करते। आदिवासी मान भाषा बु शब्दर अर्थ खाद्य और गुड़ा शब्दर अर्थ खाद्य संग्रह स्थान एथजो आज आम अंचल बुगुड़ा नाम ख्यात। किंतु अन्य केतकों मतरे अनेक बर सम्मिश्रण सृष्टि जथा बुद्धकोल बीरंची नारायण बाघुआ नदी बलदेव व्याघ्रदेवी इत्यादि बुगुड़ा शब्दर सृष्टि। किंतु अन्य केतकों मतरे पुरातन काल में बहु बौद्ध भिक्षु एठारे गुंफा बा गुड़ा मान आश्रय नौले से ही कारण बुगुड़ा शब्दर यथार्थता जना जाए। अपूर्व काष्ठ कारीगरी शिल्पकला कौशल परिचय दिए आम बुगुड़ा। बीरंची नारायण क्षेत्र यार प्रमाण 46 गोटी स्तंभ सप्ताश संयोजित काष्ठ कारीगरी एक अपूर्व कला कौशल विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर पर प्रभु सूर्य को उपासना निर्मित द्वितीय मंदिर होउछि बुगुड़ा स्थित बीरंची नारायण मंदिर। तेणु आम ही भव्य स्थली को द्वितीय कोणार्क बोली ओडिशा चिन्हे। मंदिर बहुत अंश काठरे निखुण कारीगरी होइछि एणु काष्ठ कोणार्क बोली मध्य लोके कहंती। प्रभु बीरंची नारायण तथा सूर्य नारायण समस्त श्रद्धालु को दुख हरण करती बोली विश्वास रही आसी। प्रतिवर्ष एठारे बहुत भीड़ जमे। पुरातन काल में शबर सौरा कंध आदि आदिवासी संप्रदाय मान यही मंदिर सृष्टि यह देखा ठीक सूर्यदेवता रथ सदृश सात गोटी अश्वंक द्वारा टणा जाउथवा रथ सदृश मंदिर में सूर्यदेव सारथी अरुण विद्यमान कर प्रभु तीन गोटे विग्रह एठार प्रतिष्ठित अर्थात धातु दारू और शिला विग्रह। मंदिर भितर स्थित सूर्यनारायण प्रतिमा कला मुगुनी पथर तथा ग्रानाइट्रे तैयारी। इतिहास कहे ख्रीष्टाब्द 850 रु 850 मध्यवर्ती काल में घुमुसर गड़जात राज्यर केन्दुपदर निकटस्थ मालती पहाड़ में मालती दुर्ग निर्मित होता किंतु परवर्ती काल में समयानुक्रमे दुर्गटी नष्ट हो जाता एवं अनेक अंश मटी भितर पोति हो जाता। सेतेबेले राजा श्रीकर भंज को रात स्वप्नादेश मुठे मटी भितर पोति हो रही सेठार ही प्रभु बीरंची नारायण प्रतिमूर्ति राजा श्रीकर भंज द्वारा उद्धार करणार्क सूर्य मंदिर पूर्वामुखी होता बेले आम बीरंची नारायण मंदिर पश्चिममुख उदित सूर्य प्रथम किरण कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर प्रतिमा उपर पड़ुता बेले अस्त हो आसुवा सूर्य किरण बीरंची नारायण प्रतिमार चरण स्पर्श करें। मंदिर छातर समस्त उपरी भाग
काष्ठ निर्मित एवं सूक्ष्म कारुकार्यरे परिपूर्ण केतोटी स्तंभ और चट्टाण को छाड़देले मंदिर अन्य समस्त भाग काठरे तैयारी कला। मंदिर कारुकार्यरे विषय वस्तु मुख्यतः भागवत रामायण और अठरखंड महाभारत कहानी दर्शाए। श्रीकृष्ण जन्म ठार कंसबद्ध राम जन्म ठार रावणबद्ध ए समस्त कलाकृति अति सुंदर भाव में काष्ठ कारुकार्य मध्ये खोदित करा। विष्णु दश अवतार राधाकृष्ण अंगीभंगी मंगलाचरण सीतावनवास जगन्नाथ संस्कृति दश महाविद्या नवग्रह दश दिगपा आदि मूर्ति मान विचित्र कार्य मंदिर सभा को द्विगुणित करती। समस्त काष्ठ कारुकार्य मुख्यतः ताल और शाल काठ निर्मित। इंग्रेज मान शासन समय जगन्नाथ को दर्शन करने आसवाक केते दिन पर अनुमति ने पड़ा जदि अधिका दिन रहा जरिमाना देवाक पड़ा तेणु श्रीकर भंज भित्तिचित्र मध्यम यह दर्शाई। भित्तिचित्र अर्थात विध अकिंचन और रेखाचित्र को कहुए। जीवन और पौराणिक रूपायन को विधचित्र कहुए। आबद्ध चित्र अर्थात जो मध्यम धार्मिक देवादेवी मूर्ति को रूप दि जाए। एटी विधचित्र मध्यम संपूर्ण रामायण को अति प्राजल भाव उपस्थापन कर। भित्तिचित्र साधारणतः छ प्रकार रंग व्यवहार कराए जथा हलदिया गेरु भारतीय लाल आरक्ति कला सागुआ धला एवं दीपकला। एणु आम ही मंदिर आज मध्य तार स्वतंत्रता बजाय रखी। किंबदंती रही श्रीकृष्ण पुत्र सांब कुष्ठरोग व्याधि आक्रांत होगा पर सूर्य को पूजा कर आरोग्य लाभ करते। एणु विश्वास कराए मंदिर जलकुंड मानसिक रखी कौन व्यक्ति श्रद्धार सह बाउंश पाती बीरी चाउल मुग तालपत्र बिछणा छिटकना आदि पकाइले अर्थात जलकुंड मध्यम ठाकुर को समर्पण कले रोग व्याधि व्यक्ति रोगमुक्ति हूँ। ओडिशार काष्ठ कारुकार्य प्रसंग चर्चा हेले बुगुड़ार बीरंची नारायण मंदिर काष्ठ कलाकृति प्रथम आसे। बीरंची नारायण मंदिर सम्मुखें बुगुड़ार अन्य एक धार्मिकता चेतनार परिचय दिए बलदेव मंदिर। एठारे बड़ ठाकुर बलभद्र जगतरनाथ जगन्नाथ और भौणी जगजननी सुभद्रा पूजा पाती। प्रवाद रही राजा श्रीकर भंज मुकुंदपुर गड़ ठारु बलदेव मूर्ति को आनी एवं जगन्नाथ और सुभद्रा मूर्ति निर्माण करी त्रिमूर्ति को एठारे स्थापना करते। चतुपार्श्वर लक्ष्मी शिव नृसिंह त्रिनाथ श्रीचैतन्य आदि अवस्थान करिछंती। एणु कवि निज लेखनी अत्यंत सुंदर भाषा कविता लिखिछंती। निज बुगुड़े पाषाण प्रसाद गोटे कराइले नृप हो मद तहीं बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ बसाइले श्रीकर भंज नरनाथ। किंबदंती रही जड़े लोक विषधर सर्प द्वारा दंशित तो हुई एठार आसी गुहारी पड़ते। एठार पंडा मैंने ठाकुर को जल अभिषेक कर 108 जोड़ा पा पाख कूर आनी से साप दंशि लोक उपर ढाड़े। आश्चर्यकर कथा से लोक पुनः जीवन लाभ कले। एठे रथजात्रा बहुत जाकजमकर पालन कराए। रथजात्रा बड़दाण्ड साहि अनुष्ठित हुए। शांत स्निग्ध संगीत मुखर परिवेश पंचसमु दर्शन झरणा गुंफा राजनहर तथा मुख्यतः बुद्धदेव प्रत्यक्ष अवस्थान भली चेतना आसे आम बुद्धगोल पहाड़े। अनुमान कराए ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी बेलू बौद्ध धर्मर प्रचार पर स्वयं बुद्धदेव एठार आसी उपस्थित थे। यह चीन परिप्राजक हुएनसा रचनावली दर्शाई। साधारणतः तो यह पहाड़ तीन भाग में विभक्त। पहाड़ मान दक्षिण एवं उत्तर पार्श्वर अनेक गुंफा मान रही दयाणाखोल अशोकखोल तोरणखोल उवासखोल। ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी बेलू अशोकखोल को सम्राट अशोक एठार उपस्थित थे यार नामकरण एमती। पाखरे पंचुरिया झरणा पहाड़ अग्रभाग झरीझरी पादेश पड़े एवं एठारे विराट शिव पार्वती मूर्ति नंदी दर्शन दिंती। यह देखा बेस उदयस्पर्शी। प्राचीन काल में बौद्ध सन्यासी मैंने एठाकार सिद्ध गुंफाटे रही दीर्घ दिन धरी तपस्यारत थे। प्रत्नतात्व भी खनन बेले किसी ध्यानमग्न बुद्ध प्रतिमा यह स्थान ठार आविष्कृत होता जो यह बुद्धकोल बोली नामित। अतीतर बौद्ध धर्मर केन्द्र था आम ही स्थान। परवर्त समय अर्थात आनुमानिक ख्रीय नवम शताब्दी बेलू शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्मर पुनः प्रचार एवं प्रसार चलला। सेत बेलू भारत में बौद्ध धर्मर प्राय विलोप हो आसला। शंकराचार्य भगवान शिवंक अष्टशंभुर प्रसंग वर्णना करिछंती। कलिजुगर आराध्य देव भगवान शिव बा शंभु तार एठारे बुद्धगोल ठारे प्रमाण मिले। पर्वतर प्राय 300 पहाच अतिक्रम करिबा परे झरणा स्थान रही शिवलिंग मान अवस्थान करिछंती। गंगाधरेश्वर जगदीश्वर मकरेश्वर कुबरेश्वर लोकनाथेश्वर गुप्तेश्वर आदि भव्य लिंग मान एठारे दर्शन दियंती।
मोटामोटी भाव कह बुद्धकोल पर्वत बौद्ध धर्म एवं शाक्त धर्मर संगमस्थळी। समग्र बुगुड़ा को तासह विश्व को घंट घोड़ाई रखिंट माँ सांकुले। बुगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत अंतरपड़ा ग्राम से अवस्थित माँ का भव्य मंदिर। किंवदंती अनुजाई राजा श्रीकर भंज तांकर राज्य शासन समय अर्थात 1801 रे साम्राज्यद्रोही भाव परिगणित हो जाए। एणु से विभिन्न स्थान मानक आत्मगोपन करते पुत्र धनंजय भंज इंग्रेज मानक पाखरे बंदी हो रही थे। राजा एठाकार ग्राम देवती निकट में शरण पड़ते भक्तिर सह आराधना कारण राजा कारामुक्त बा शिकुलारु मुक्त होते पुणी राजकार्य सुचारू रूपे चलते। एणु ग्राम देवती नाम परवर्ती काल सांकुलाई बोली लोक जानती। लोक कहती प्रथम माँ सांकुले पहाड़ पादेश एक विराट वृक्षमूली पूजा पाई आसुले किंतु वर्तमान स्वतंत्र मंदिर गठन पर एठी पूजित होती। माँ का अवस्थान बाम पार्श्वे षणमुखी कार्तिकेय एवं दाहण पार्श्वे श्री विद्याबुद्धिदाता गणेश पूजा पाती। मंदिर कांथ मानक रामचंद्र जन्म ठार् स्वर्गारोहण तथा संपूर्ण रामायण वर्णता सुंदर चित्र माध्यम दर्शकों आकृष्ट कै दश महाविद्या सह राम लक्ष्मण सीता नारायण नवग्रह त्रिनाथ बालाजी गायत्री सरस्वती लक्ष्मी नृसिंह महादेव अंबिका मंगला हनुमान मूर्ति पार्श्वदेवता भाव में अत्यंत चमत्कारी कला देखा अत्यंत आकृष्टकर लगे। बाघुआ ड्याम विरल वन्यप्राणी कृष्णसार मृग मयूर मानक सौंदर्य अत्यंत चित्ताकर्षक। गोलियाठारे द्वितीय इंद्रदम्न पोखरी रही मधुर जल कुरुम पुष्करणी नाम से ख्यात। थरे रथयात्रा समय गजपति महाराज छेरा पहरा करने हाथी उपर बस आसवा समय हाथीटी हठात अनायत होगला व्यतीव्यस्त हो पगल होगला। से ही समय एठाकार हाथीराम द्वारा निजर साहसिकता प्रदर्शन पूर्वक से हाथीटी को नियंत्रित करते। एणु पुरस्कार स्वरूप गजपति राजा हाथीराम द्वारा किसी उपहार सह पूरी इंद्रदम्न पोखरी किसी कुरुम अर्थात कईछ मान प्रदान करते आठारे रखि जाता। एणु यह स्थान को द्वितीय इंद्रदम्न पुष्करणी तथा कुर्म पोखरी नाम से जाना जाए। रघुनाथ मंदिर राधाकृष्ण मंदिर गोपीनाथ मंदिर माँ व्याघ्रदेवी मंदिर माँ मझझोला ठाकुराणी संतोषी माँ दंडक यही पवित्र क्षेत्र में अवस्थान करतीत। शिल्पकला क्षेत्र में अन्य एक उदाहरण सृष्टि कै आम अंचल काष्ठकारीगर जोगी महाराणा दिने भंजवंशी युवराज घृण्य काम लोभर निवृत्त कराइबापी काठर एक अपूर्व सुंदरीर अबिकल नारी चित्र कन्याटी निर्माण कर युवराज पाखक पठाईदे। किसी जांत्रिक कौशल रही जहाद्वारा से मनीष पर चली पार्ला। युवराज जो निज कामलासा चरितार्थ करने हाथ पकई तत्क्षण शक्त चापुड़ प्रहार पवन बेगर आसी बाजिला युवराज गाल को सेठार युवराज बुद्धि शिक्षा कले। शिल्पकार जोगी महाराणा कार्य जुग जुग को अमर रहीगला। बुगुड़ा लोक संस्कृति लोककलार गंताघर नवगुंजर नाट चैती घोड़ा बाघ वृषभ नाच कल घोड़ा चढ़ैया चढ़ैयाणी सुआंग घोड़ा नाच बगनाच प्रहल्लाद नाटक राधाप्रेमलीला कंसबध रामलीला कृष्णलीला गाहाण घुड़ुकी गोटीपुव नाच नाम आखड़ा आदि अनेक प्रसंग एठिकार आकर्षणीय लोकनाटक। संगीत कला क्षेत्र साहित्य पर्यटन ऐतिह्य संस्कृति शिल्पकल बहुत सुनाम अर्जन करिछि आम बुगुड़ा जिते वर्णना कले तारी परिसमाप्ति ना किंतु केउठी ना केउठी किछि आम वर्तमान समाज मनोभाव ए जीवंत ऐतिह्य संस्कृति प्रति आकृष्ट होना। एणु आम बुगुड़ार संपूर्ण इतिहास मात्र केवल किछिटा लोकों मध्य सीमित हो रही। इच्छाशक्तिर अभाव कारण लोक मैंने इतिहास और किंवदंती प्रति आग्रही होना। समाज प्रतिष्ठा दिगरे ए इतिहास गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखी। जदि कौन अजणा व्यक्ति किंबा राज्य तथा देश बाहर एठाक आसती एठाकर इतिहास किंवदंती ही तांको मन को एठार स्थायी भाव में बांधि रखिपार। एणु आमको ऐतिह्यर ज्ञात रहा नित्यांत आवश्यक। धन्यवाद।